नमस्कार, मैं हूँ अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। आज मीरा भाईंदर भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीना मेहता का जन्मदिवस है और आज अपने जन्मदिवस के इस शुभ अवसर पर वो यहाँ पे केशव सृष्टि में आई हैं, यहाँ पे इस गौशाला में आई हैं जहाँ पे गायों को लाडू और चारा खिला के अपने जन्मदिन की शुरुआत कर रही हैं। आज उनका जो दिन है, जन्मदिवस है, आज के दिन वो कई सारी सामाजिक कार्य करने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं रीना मेहता से और उनके साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी महिलाओं से। रीना मेहता, मीरा भाईंदर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष और रीना मेहता कॉलेज की फाउंडर। रीना मेहता तो वैसे मीरा भाईंदर की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष है, लेकिन उनका राजनीतिक से ज्यादा काम सामाजिक कार्यों में दिखाई देता है। रीना मेहता राजनीतिक में इसलिए कदम रखी ताकि वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके, महिलाओं को मजबूत बना सके, ताकि महिलाएं किसी पर भी डिपेंड ना रहे। रीना मेहता वरिष्ठों की सेवा करना चाहती है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, समाज के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। आपको बता दे, रीना मेहता अपने कॉलेज रीना मेहता कॉलेज के माध्यम से 600 गृहिणी महिलाओं को उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया, जिससे उनको आगे रोजगार मिल सके। अहम उद्देश्य है बीजेपी को मजबूत करना, बीजेपी को मजबूत करना और राजनीतिक से भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े और राजनीतिक पार्टी में भी महिलाएं आगे बढ़े, उनका यह अहम उद्देश्य है। मीरा भाईंदर में इतिहास में पहली बार ऐसी महिला अध्यक्ष मिली है जो अपना पूरा ताकत लगा रही है महिलाओं को मजबूत करने में और उनको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया है। आपको बता दें, सिर्फ रीना मेहता के ही कारण मीरा भाईंदर में आज ऐसी कई महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ है, लेकिन वो आज आत्मनिर्भर बन चुकी है। वो घर पे भी रहकर कमा सकती है और रीना मेहता द्वारा उनके कॉलेज के माध्यम से सीख कर भी आज वो आत्मनिर्भर बनी हुई है, वो उनको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। रीना मेहता अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने सभी महिला मंडल अध्यक्ष के ऑफिस जाके स्वयं जाकर वो केक कटिंग की। आपको बता दे, कनकिया मंडल के अध्यक्ष नीतीश वर्मा के यहाँ, रेनू मल्ला के यहाँ, सत्येंद्र शर्मा, राजेश्वरी शर्मा, संदीप अग्रवाल के यहाँ, ऐसे कई जगहों पे गई और सामाजिक कार्य किया। सभी महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये रीना मेहता बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है और वो उसी तरीके से अपनी महिलाओं से, अपनी महिला मंडल की अध्यक्ष लोगों से काम करवाती है। तो आइए बात करते हैं रीना मेहता से और उनका बाकी महिला मंडल के अध्यक्ष के बारे में क्या राय है। प्रोग्राम ऑलमोस्ट 3 घंटा मैंने कम कर दिया, सिर्फ 1 आवर का हमारा फाउंडर्स डे आज रहा और उसकी वजह है कि आज का मेरा दिन कहां से शुरू हुआ। आज के दिन हमारी सभी मंडल अध्यक्षा और कुछ हमारी यहां बच्ची जो अभी आपके सामने संचालन कर रही है, इन सबने मुझे सरप्राइज दिया। हमारी मंडल अध्यक्ष शिखा जी, माधुरी जी और भी बहुत सारे सभी वहां पर उपस्थित थे। इन सब ने आज गौशाला, हमारा दिन जो शुरुआत हुआ हमारी भारतीय संस्कृति गौशाला में जाकर, हमने आज वहां पर गौ माता की सेवा की और वहीं पे जाके हमने हमारे दिन की शुरुआत की। तो ये हमारा भाजपा परिवार, ये हमारे भाजपा के संस्कार। रवि जी, ये मौका मुझे आपकी वजह से आज मिला। उसके बाद दोपहर से जो हमारे प्रोग्राम चालू हुए उसमें हमारे राम भाई संदीप चिरनिया जी, उनके वहाँ पे भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके बाद में सत्येंद्र शर्मा जी, जिनके वहाँ पे हमने आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और ये देखिए, ये भी एक बात है कि ऊपर वाला जब साथ देता है ना, तो कहीं ना कहीं वो राह भी मिला देता है। हर फाउंडर्स डे पे हमारे वहाँ अनमोल बालग्रह के बच्चे आते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे बाहर चले गए थे और आज बारिश बहुत थी, तो मेरा मन थोड़ा उदास था। मैंने मेरे स्टाफ को भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि अनमल बाल ग्रह के जो 44 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मेरे हर प्रोग्राम हर बर्थडे पे आती है, तो बोला कि मैडम बारिश थी और आधी बच्चियां घर चली गई थी, इसीलिए वो आज आनी। आश्रम में हम गए, वहां पे इतने छोटे छोटे बच्चों ने वहाँ पे जो कार्यक्रम और केक कटिंग का प्रोग्राम आयोजन किया। तो इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ पे चाह है, जहाँ पे राह है, वहाँ पे ऊपर वाला आपका साथ देता है। उसके बाद में
आज के दिन में कानक्या मंडल में हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, हमारी रेणु मल्ला जी के वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, गोल्डन नेस में शशि मिश्रा जी के वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जमा हुई थी, वहाँ पे भी हमने आज का पूरा कार्यक्रम वहाँ पर किया। और लास्ट में मुझे, हम पूरे गीले हो चुके थे सुबह से, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि मेरी महिला टीम जो है वो इतनी ताकतवर और इतनी उनके अंदर एनर्जी है कि बारिश में भीगते हुए भी हमने सारे कार्यक्रम आज पूरे किए। उसके लिए मैं दिल से उनको धन्यवाद सबको देती हूँ कि आप सब ने मेरी ताकत को बढ़ाया, आप सबका प्यार ही मुझे ये ऊर्जा देती है, मुझे शक्ति देती है कि मैं हम सब मिलकर काम करें। सबसे पहले हमारी सभी मंडल अध्यक्षा और जो भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है, उन सब ने आज मुझे जो सरप्राइज़ दिया है कि आज का कार्यक्रम की शुरुआत गौशाला से हुई है और गौ हमारी माता है और इनकी सेवा और इनके आशीर्वाद से आज का दिन मैंने शुरू किया है। और आज इन सब मेरी, इनको मैं अपनी फ्रेंड्स कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि पद एक व्यवस्था है, इंसान के अपने रिलेशन और अपनी दोस्ती हमेशा साथ में चलती है। और आज इन्होंने जो एक सरप्राइज़ देकर और इतना अच्छा एक पुण्य का काम की शुरुआत हमारे हाथों से करवाई है, उसके लिए सबसे पहले मैं सभी मंडल अध्यक्षा को धन्यवाद देती हूँ कि आज का मेरा दिन बहुत शुभ कार्य से इन्होंने शुरुआत करवाई। और ये कह सकती हूँ कि जहाँ पे शुरुआत इतनी अच्छी होती है तो आप सोचिए कि हमारी पूरी टीम जिस तरह से प्यार और रिस्पेक्ट दे रही है तो उतना ही प्यार वो मेरे से भी ले रही है, क्योंकि एक ये बॉन्डिंग है आपस में कि अपना सुबह सुबह में टाइम निकालना और इतनी जल्दी यहाँ पर आना। तो टाइम की जो वैल्यू मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में समय सबसे ज़्यादा कीमती है, और ऐसे कीमती गिफ्ट मुझे देने के लिए सबका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। लोग जनजस कहीं बाहर जाके मनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे, और आपका दिन भर का शेड्यूल क्या है, क्या क्या करने वाले हैं आप? जी, दिन भर का शेड्यूल, अभी इसके बाद मेरा कॉलेज का फाउंडर्स डे है जो हम 97 से, मतलब पिछले 25 सालों से मनाते हैं, तो 10 से 12:30 का हमारा ये शेड्यूल कॉलेज का है। और बाई चांस आज हमारे ये सौभाग्य है कि हमारी महाराष्ट्र की अध्यक्षा उमाताई खापरे जो 10 से 12 बजे तक रामभाऊ मालगी में कुछ प्रोग्राम अटेंड करने आ रही है, तो वो भी 12 बजे के बाद हमें आशीर्वाद देने के लिए कॉलेज में आ रही है। कॉलेज का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मेरे कंटिन्यूस जो शेड्यूल है, जैसे आश्रम में अनाथ आश्रम है और वहाँ पे इन लोगों ने खाना रखा हुआ है, नवघर रोड में राम भाई और संदीप चिरन्या जी ने प्रोग्राम रखा हुआ है, उसी तरह से कानक्या मंडल में रखा हुआ है, गोल्डन नेस्ट में शशि मिश्रा जी ने रखा हुआ है, और भी सत्येंद्र शर्मा जी जो नवघर रोड के मंडल अध्यक्ष है उन्होंने भी कार्यक्रम रखा है। इसके बाद में मीरा रोड में भी एक कार्यक्रम रखा गया है हमारी महामंत्री निर्मला वोरा जी उनकी अध्यक्षता में। तो ऐसे दिन भर के सारे शेड्यूल जो है वो अभी शायद पूरे मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये पूरी टीम ने मैनेज किया है, तो इनके पास ये पूरा शेड्यूल है। और शाम को वापस 6:30 बजे से हमारे सभी जो मैंने जन्मदिन का एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है उसमें सारे हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग उसमें उपलब्ध आने वाले हैं। तो बस ये पूरे दिन का आज शेड्यूल ऐसा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन की शुरुआत यहाँ से हम कर रहे हैं। मेरे तरफ से पहले तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आज जो हमने सुबह का ये जो कार्य स्टार्ट किया है, और हमें भी खुशी है कि हमें भी मौका मिला गायों की सेवा करने के लिए, रीना जी के साथ हमें भी मौका मिला सबको चारा खिलाना और ये सब करना, और बहुत अच्छी शुरुआत है। अखा दिन तो रीना जी का कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेगा ही, तो हम ऐसे सेलिब्रेशन करते रहेंगे। और रीना जी जैसे मीन्स एकदम हार्टेड पर्सन जो हमेशा सबको लेके चलते हैं, तो उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है हमको। धन्यवाद रीना मैम को, मैं बहुत सारी शुभकामना दूंगी उनके जन्मदिन पे। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि और 100 साल इसी तरह रहे हमारे साथ में और हम उनके साथ बर्थडे मनाते रहे। मैम को हैप्पी बर्थडे, और आज तो बारिश भी मेहरबानी, ये आशीर्वाद है बारिश का शायद से, और इतनी बारिश में मैम आए और हम सब साथ में, बहुत अच्छा लगा है। मैम को मैं आज बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, जो सुबह से आज उनके साथ हमारी भी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। उनको हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम को हमारे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे मैम। हैप्पी बर्थडे रीना जी, गॉड ब्लेस यू, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और जिंदगी में हमेशा तरक्की। थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं हमारी महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती रीना मेहता जी को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ ही ये बताना चाहूँगी कि हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जो हम सभी फ्रेंड्स हैं, हम सब ने मिलकर के ये प्लान किया है। हम सब रीना जी के बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और सभी ने सोचा कि क्या करें, लेकिन लास्ट में फिर सबके दिमाग में यही आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दिन की शुरुआत कुछ अच्छे काम से हो। और ये जन्मदिन है, आज हमने शुरुआत रीना मेहता जी के बर्थडे की यहाँ से गौशाला में आकर के की, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को माता के समान माना जाता है। तो और जैसे भी अभी हम सुन रहे हैं कि लंपी जैसी बीमारी गायों के बीच में चल रही है, तो इसलिए हमने एक गायों के क्षेत्र में हमने ये प्लान किया है कि हम रीना मेहता जी के द्वारा एक शुभ काम की शुरुआत करें। उनको गायों को हमने लड्डू खिलाया और चारा खिलवाया रीना मेहता जी के हाथों से, और हम सब भी बहुत खुश हैं कि इतने पैक शेड्यूल में से भी रीना मेहता जी ने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हम सभी के साथ उन्होंने इतना अच्छा दिन हमारे साथ आज बिताया है। उसके लिए हम सभी की तरफ से रीना मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल।